ਪ੍ਰਾਮਿਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦੁੰਗ ਸਮਾਧਿਆਨੀ ਪ੍ਰਾਮਿਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦੁੰਗ ਧੰਮਪਦ ਗਾਥਾ ਕਥਾ ਨੰਬਰ 61 ਬਾਲ ਵਗੋ ਇਮੈਚੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ। ऐसा आपने बहुत सारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या लोगों से कहते हुए आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि बुद्ध के कोटेशन आजकल बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, उसमें एक कोटेशन आता है कि अगर आपके साथ में समझदार लोग नहीं हैं या समझदार लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं या नहीं चल रहे हैं तो आप अकेले ही चलें, ज़्यादा अच्छा है। या चाहे भले ही विपरीत दिशा में जाना पड़े, अकेले ही जाएं तो बेहतर है। ये दरअसल गाथा नंबर 61 में जो गाथा कही गई है, ये गाथा, ये कोटेशन वहीं से लिया गया है। ये घटना राजगीर की है, राजगृह की है, राजगृह की है। महाकश्यप जो स्थिवर होते हैं, स्थिवर उनको बोलते हैं जो अपने धम में स्थिर रहते हैं, प्रज्ञा में स्थिर रहते हैं, साधना में स्थिर रहते हैं, स्थित रहते हैं। तो महाथेर जो स्थिवर हैं या जो थेर हैं या भिक्खु हैं, वो अपनी साधना में, अपनी विपसना में रहते हैं। उनके दो शिष्य हैं जो सीख रहे हैं। एक शिष्य उनकी हर बात को मानता है और धम्म में बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है, धम्म को सीख रहा है, मगर दूसरा जो शिष्य है उसका ध्यान नहीं लगता। उसके दिमाग के अंदर हमेशा नेगेटिव चीजें चलती रहती हैं। वो झूठ बोलता रहता है, धम्म के आचरण के विरुद्ध काम करता रहता है। कभी वो गांव में चारिका करने जाता है तो कहता है कि आज महाकश्यप थेर की तबीयत खराब है, ये वाला खाना चाहिए, ये वाला खाना दे दीजिए, और खुद ही रास्ते में उसको खा लेता है। कभी कहता है कि महाथेर को आज बहुत ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है तो ये कपड़ा चाहिए, वो चाहिए, लोग दे देते हैं। कभी कहता है कि आज महाथेर ने ये सामान मांगा है, वो सामान ले आते हैं। आके वो जब आता है शिविर में जहाँ स्थिर रहते हैं तो वहाँ झूठ बोलता है, कोई काम करता नहीं, काम को फैलाता है। बहुत उसको समझाया, बहुत डांटा, वो नहीं मानता है। तो उसको छोड़ के महाकश्यप थेर चारिका में अपने एक शिष्य, जो अच्छा शिष्य था, उसको लेके चले गए। जो खराब थेर था उसने वहां गुस्से में सब चीजें फेंक दी और उनकी पूरी झोपड़ी में, कुटी में आग लगा दी, सारा सामान बिखेर दिया। इस बात की चर्चा जब सावित्री के अंदर, जब धम्म संसद में, धम्म सभा में बुद्ध के समक्ष आई, तो बुद्ध ने ये गाथा उस समय कही, जो गाथा नंबर 62 है, 61 है, इस प्रकार है। चरंचे न अधिगच्छे सेयं से दिस मत्तनो एक चरियं दड़हं कैरा नत्थी बाले सहायता। चरंचे का मतलब है चरचे, चर माने होता है चलना, चलते हुए, और चे माने होता है यदि, यानी यदि चलते हुए। ने अधिगच्छे का मतलब है ने अधिगच्छति, यानी ने प्राप्त करता हो। अधिगच्छति माने होता है प्राप्त करना, और ने माने ने प्राप्त कर पाए। अधिगच्छे का मतलब है अगर ने प्राप्त कर पाए, यदि चलते हुए ने प्राप्त कर पाए। क्या सेयं से दिस मत्तनो, सेयं माने श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ यानी अच्छे। से दिस मत्तो माने, से दिस का मतलब है जो समान हो, यानी कि समान दृश्य वाले, सदृश्य। मत्तनो, मत्तनो माने मत वाला, विचार वाला, यानी कि से दिस माने से दृश्य, मत्तनो से दृश्य, समान मत वाला कोई व्यक्ति। यानी आपको अगर चलते हुए कोई नहीं मिल पाए श्रेष्ठ, आपके जैसा सदृश्य चलने वाला, मत वाला। एक चरियंग दड़हन करियर कैरा, एक चरिया यानी कि एक ही चले, अकेला चले। दड़हंग माने दृढ़ता से, और कैरा माने करे यानी चले। तो फिर अकेला ही दृढ़ता से चले। नत्ती बाले सहायता, जो आपने सुना होगा सहाय माने होता है मित्र, और सहायता माने होती है फ्रेंडशिप। बाले माने होता है मूर्ख, एक तरह से कह सकते हैं मूर्ख या इमैच्योर, और नत्थी माने नहीं, यानी कि जो इमैच्योर है, जो मूर्ख है, उसका साथ, उसका सहचर
ना बने, नत्थी बाले सहायता, यानी कि उसकी सहायता ना ले, उसका सहचर ना बने। इसका मतलब यह है कि जो इसका गहरा मतलब है, एक तो इसका आम मतलब हो गया कि अगर आपके विचार जैसा आपके तरह का, अगर आपकी सोच वाला कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलता है तो आप फिर अकेले चलें, किसी मूर्ख से सहायता से अच्छा अकेला चलना बढ़िया है, एक तो इसका मतलब ये है। मगर ये पूरा मतलब नहीं है, ये मतलब लोगों ने इसका बना लिया है, इसका मतलब गहरा है। वो कहते हैं कि अगर आप धम्म में चल रहे हैं, प्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, धम्म सीख रहे हैं और आपको कोई धम्म में साथ आपका धम्मिक नहीं मिलता है जो इतना धम्म जानता हो जितना आप जानते हैं, या आपसे ज्यादा धम्म जानता हो, जो सील समाधि प्रज्ञा में आपसे ज्यादा प्रवीण हो, ज्यादा सीखा हुआ हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ ना रहें, ना चलें जो आपसे कम जानता है, क्योंकि तो अगर आपसे कम जानता है तो फिर आप उसके साथ में धम्म नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि तो जितना वो जानता है उससे ज्यादा तो आप जानते हैं, तो आपको लाभ नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप अकेले सीखें, अकेले धम्म में प्रवीण हों और धम्म को ज्यादा अच्छी तरह से गहराई से विपस्सना साधना करें। ये एक इसका ठोस मतलब होता है। मगर जो दूसरा इसका व्यवहारिक मतलब है वो ये है कि अगर आपके विचार जैसा, क्योंकि विचार में दो तरह के विचार आते हैं, इसमें ऐसा भी आ सकता है कोई असम्मा हो, यानी कि असम्यक विचार वाला हो, जैसे कोई चोर डाकू है और चोर डाकू को अगर उसके जैसा कोई सदस्य चोर डाकू ना मिले तो वो अकेला चले, मगर ये चोर डाकू के लिए नहीं है, ये सम्यक लोगों के लिए है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने सभी जगह सम्यक का इस्तेमाल किया है और दुनिया में सारी बातें पॉजिटिव बताई हैं। ये भी पॉजिटिव ही है गाथा में कि आपको अच्छे लोगों के साथ में चलना चाहिए, और अगर अच्छे लोग नहीं मिलते, आपके जैसे नहीं मिलते, तो आपको दृढ़ता से अच्छाई पे अकेले ही चलना चाहिए। अच्छाई पे अकेले चलने से आपके अंदर बुराई तो कम से कम नहीं आएगी, अच्छाई आपकी बढ़े या ना बढ़े ये अलग बात है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। धम्मं शरणं गच्छामि।
साधु। कामेश मिठतार विरमनि सिखा पदंस्माध्यामी। कामेश मिठतार विरमनि सिखा पदंस्माध्यामी। कामेश मिठतार विरमनि सिखा।